सोमवार को हरियाणा को एक साथ तीन तोहफे मिले। इनमें सबसे खास ये कि प्रधानमंत्री ने लंबे वक्त से इंतजार में चल रहे केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल सुपर हाईवे का उद्घाटन कर इसे विधिवत रूप से आवाजाही के लिए खोल दिया। इस नए सुपर एक्सप्रेस वे से दिल्ली वालों को तो ट्रैफिक जैम और प्रदूषण से निजात मिलेगी ही। नेशनल हाईवे नंबर 1 यानी अमृतसर दिल्ली हाईवे से होकर यूपी राजस्थान और दक्षिण हरियाणा को जाने वाले हजारों वाहनों को दिल्ली के बाहर से एक नया रास्ता मिल जाएगा। नेशनल हाईवे नंबर 1 से रोजाना ऐसे हजारों वाहनों को अब दिल्ली होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैफिक का दिल्ली पे प्रेशर जितना कम होगा सबका फायदा है। जो दिल्ली में जितने ज्यादा ट्रैफिक अननेसेसरी ट्रैफिक है, जो जिसने बाहर जाना है उसको दिल्ली जाने की जरूरत ना हो, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा। दिल्ली में पोल्यूशन कम होगा, अपना समय बचेगा, अपना डीजल बचेगा, अपनी एनर्जी बचेगी। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे नंबर 1 देश के 5 राज्यों को राजधानी दिल्ली से जोड़ता है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। इससे इन 5 राज्यों के लोगों को भी वाकई सुकून मिला है। बहुत फायदा होगा, टाइम की बचत होगी सर, टाइम की बचत होगी, तेल की बचत होगी, इससे सबको फायदा होगा। जो एक्सीडेंट्स होते थे उससे भी अब बचाव होगा। उससे मतलब ऐसा हो जाएगा कि एक स्पीड से गाड़ी चलेगी, कोई स्लो नहीं चलेगा, कोई फास्ट नहीं चलेगा, एक स्पीड से एक्सीडेंट कम होगा। बेशक चुनावी मौसम है, 2004 से शुरू होकर 2009 में पूरा होने वाले इस बड़े प्रोजेक्ट का श्रेय अब प्रदेश की तीनों बड़ी पार्टियां लेना चाह रही हैं, पर आम लोगों की बात करें तो उन्हें वाकई बड़ी सौगात और राहत मिली है। अब बस इंतजार नरेला कुंडली मेट्रो का है। सचमुच अब तो नेशनल हाईवे नंबर 1 की राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के शहरों तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। केजीपी के बाद अब केएमपी के भी शुरू हो जाने से नेशनल हाईवे नंबर 1 से राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और यूपी की ओर जाने वाले हजारों वाहन चालकों को एक नया रास्ता मिल गया है। इससे अब उन्हें दिल्ली में जाने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। इससे समय और ईंधन ही नहीं बचेगा, सफर भी सचमुच सुहाना होगा। सहयोगी कपिल के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।